विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने 10 फरवरी को दिल्ली में बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या किए जाने के संदर्भ में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में विश्व हिंदू परिषद के गोरक्ष प्रांत के सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि देश में राम मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी 2021 से 27 फरवरी 2020 तक निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। उसी के अनुसार दिल्ली के मंगलपुर कार्यकर्ता रिंकू शर्मा अन्य राम भक्तों के साथ निधि संग्रह अभियान के लिए प्रतिदिन जा रहा था। इस दौरान मोहल्ले के एक समुदाय के द्वारा उसको बार बार राम जन्मभूमि मंदिर के निधि समर्थन में नहीं जाने के लिए धमकाया जा रहा था, जिसकी शिकायत रिंकू शर्मा ने पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया था। इस दौरान कुछ लोगों ने घर में घुसकर इनके परिवार पर हमला कर दिया तथा मौका पाकर रिंकू शर्मा की पीठ में चाकू मारकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद मांग करता है कि रिंकू शर्मा के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और कड़ी सजा दी जाए तथा रिंकू शर्मा के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता तथा 1 परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हर्ष पांडे, अभिषेक चौरसिया, रवि यादव, नरेंद्र पाठक, शिवम गुप्ता, अभिषेक चौरसिया, अमरजीत, राहुल गुप्ता, प्रेमनाथ सिंह, अनुपम गौड़, आलोक, अभिषेक सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के गोरक्ष प्रांत के सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हिंदुओं का ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रिंकू शर्मा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शर्मा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। दुर्गेश त्रिपाठी, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि विगत 10 फरवरी को दिल्ली के मंगोलपुरी में एक हिंदू नौजवान जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारतवर्ष में चलाए जा रहे राम मंदिर अभियान के लिए धन निधि संग्रह में लगा हुआ था, ऐसे नौजवान रिंकू शर्मा की मुसलमानों द्वारा निशंग हत्या कर दी गई। आज उसी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूरे भारतवर्ष में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रेषित किया है। साथ में ये मांग की है कि रिंकू शर्मा के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनकी फांसी की सजा मुकलम की जाए। दूसरा कि उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता और परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। दिल्ली में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, चाहे CAA के समय में अंकित शर्मा के हत्या का विषय हो या अन्य तमाम हिंदुओं की हत्याएं हों, ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करने के लिए साजिश रची जा रही है। इसलिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ में जिस इलाके में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ रहने वाले हिंदू नौजवानों को असलाह का लाइसेंस जो है निर्गत करना चाहिए।